लोगों के मन में यही चाह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कमलनाथ जी बनेंगे या शिवराज सिंह जी बनेंगे या शिवराज सिंह जी के अलावा कोई और नया चेहरा होगा। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनता के मन में ये प्रश्न बड़ा ही विचलित कर रहा है। लेकिन अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो इस समय शिवराज जी की जो कुंडली है, शिवराज जी की कुंडली में 85% उनका जो लक है वो साथ दे रहा है। उनके सहयोगी उनको बहुत समर्थन करेंगे, सहयोगी नेताओं का उनको बल मिलेगा और बल और बुद्धि, बुद्धि के जो देवता हैं वो बुद्ध हैं। बुद्ध भी अच्छी स्थिति में है शिवराज जी की कुंडली में। जो बुद्धि के देवता बुद्ध होने के कारण उनको अच्छा बल मिलेगा और अच्छा उनको प्रदर्शन मिलेगा और जीत का जो प्रतिशत है वो 85% उनको जीत हो सकती है। लेकिन उसमें भी उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शिवराज जी की कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है, जो कि शनि कहीं ना कहीं सत्ता से दूर कर सकता है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कोई नया चेहरा भी शामिल हो सकता है, क्योंकि सत्ता से ये वंचित हो सकते हैं। जो लाभ है, जो राजयोग है, वो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है और नए चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में हो सकते हैं। और कमलनाथ जी की कुंडली क्या है? कमलनाथ जी की कुंडली है, कह रही है कि उनका जो गोचर भाव है चतुर्थ, उनका चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है और शनि जब चतुर्थ भाव में होता है तो कहीं ना कहीं भीतरी जो घात है, आपसी जो लोग हैं, आपसी जो संबंधी जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भीतर से घात करते हैं, धोखा करते हैं और उस वजह से उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन उनका भाग्य कुछ समय तक, कुछ हद तक उनका साथ दे रहा है, तो अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो जोड़ तोड़ करके सरकार बनने की चांस है। लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ में आप मान के चलें कि 120 से 130 सीट तक बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं और वहीं 95 से लेकर के 110 सीटें तक कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। जो भी सरकार बनेगी वो जोड़ तोड़ करके सरकार बनेगी। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुंडली हो या नरेंद्र सिंह तोमर की, दोनों की कुंडलियां क्या कहती है? सिंधिया जी की कुंडली में क्या है? सिंधिया जी की कुंडली भी बहुत अच्छी है। प्रबल जो समय है, कुछ वोट बैंकिंग जो है वो सिंधिया जी की वजह से बढ़ेगा। पहले से बहुत अच्छा उनको प्रदर्शन मिलेगा। पहले जो कांग्रेस की सरकार जो बनी थी और टूट करके सिंधिया जी के आने से बीजेपी की सरकार बनाई गई थी, उससे जनता में आक्रोश पैदा हुआ। लेकिन चूँकि जनता ने जब पहचाना और कुंडली जब मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है, तो सिंधिया जी की कुंडली भी इतनी मजबूत है कि सिंधिया जी भी कहीं हद तक दावेदार मुख्यमंत्री के हो सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के सितारे क्या कहते हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहेगी सीट की स्थिति और क्या रहेगा उनका भविष्य? दुनिया की तमाम देशों की और तमाम राज्यों की जो नज़र है वो केवल दिमनी पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि यहाँ दिमनी से केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ रहे थे और चूंकि यहाँ अच्छे बहुमत से उनको विजय मिलेगी, उनके स्टार बहुत बुलंद हैं और कहीं ना कहीं तक 2029 तक उनके स्टार बहुत ज़्यादा बुलंद रहेंगे और प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं और आगे जाकर के केंद्र में भी जा सकते हैं।